बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, सुश्री श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एक भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैट चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना, और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे, मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं, इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके, तो उसका नाम राहुल गांधी है।